लाखों रुपए छाप लिए होंगे। ओ माय गॉड, कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज स्निग्धा भटनागर, और अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। सो एज यू ऑलरेडी हैव नोन फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस वीडियो दैट आई एम गोइंग टू बी ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स अबाउट यूट्यूब एंड यूट्यूब अर्निंग्स। सो आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम, एंड लोग मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे आस्क मी लाइक, अरे तूने तो लाख छाप लिए होंगे, अरे तुम तो लाखों रुपए छाप लिए होंगे, ओ माई गॉड कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। एंड हेल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी कैसे होती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ओनली एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल द डाउट्स, स्टीरियोटाइप्स, क्वेश्चंस अबाउट यूट्यूब अर्निंग्स, एड से कैसे पैसे मिलते हैं एंड कैसे अकाउंट बनाना होता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट यूट्यूब, आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई यूट्यूब चैनल। सो आई स्टार्टेड माई चैनल ऑन 24th August 2017। और इनिशियली मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने रेसिपीज डालना स्टार्ट किया था बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ शेफ़ एंड मेरे को खाने से बहुत ज़्यादा प्यार था। सो मैंने सोचा कि मैं अपना टैलेंट कहीं और मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाऊँ। तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड आई अपलोडेड रेसिपीज एंड आई वॉज सो अट्रैक्टिव फ्रॉम दीज फूड ब्लॉगर्स एंड ट्रैवल ब्लॉगर्स। सो सीइंग देम आई स्टार्टेड माई व्लॉगिंग ऑल्सो। सो माई फर्स्ट ब्लॉग फ्रॉम द सिटी ग्वालियर दैट इज़ इन मध्य प्रदेश एंड इट रियली डिड वेल। इट हैज़ ऑलमोस्ट 40K व्यूज एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दैट वीडियो। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर व्लॉग्स एंड फूड व्लॉग्स काइंड ऑफ दैट। आई हैव अपलोडेड मोर देन 70 वीडियोज नाउ, बट माई मोनेटाइजेशन पॉलिसी हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट। सो मेरी मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आई नो 3 साल हो चुके हैं मुझे ऑलमोस्ट स्टार्ट करे हुए यूट्यूब एंड बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट एज अदर यूट्यूबर्स। मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो जिन्होंने 2019 में चैनल स्टार्ट करा है एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, बट मेरे साथ ये हुआ कि आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। तो इस वजह से मेरी जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिसीज़ फॉर द मोनेटाइजेशन इज़ आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। दैट मीन्स आपकी वीडियोज़ 4000 आवर्स वॉच हुई हो बाय द पब्लिक एंड दे शुड बी वैलिड पब्लिक आवर्स। एंड द सेकेंड वन इज़ यू शुड हैव 1000 सब्सक्राइबर्स। तो इसमें से मेरी 1000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी अचीव हो गया है बट आई स्टिल हैव टू कम्प्लीट 4000 वॉच आवर्स जो अभी मेरे नहीं हुए हैं। आई विल इंसर्ट अ वीडियो हेयर मेरा मोनेटाइजेशन में क्या कितना कम्प्लीट हो चुका है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। ऑल्सो ये जो आपकी दो कंडीशंस हैं ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही कम्प्लीट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके जो प्रीवियस 12 मंथ्स है सिर्फ उसी का काउंट होएगा। एंड अभी मेरे थोड़े टाइम पहले मेरे 3000+ वॉच आवर्स हो गए थे एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि हाँ मे बी मेरी मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो जाएगी कम्प्लीट, बट बिकॉज ऑफ दैट 12 मंथ्स प्रीवियस 12 मंथ्स मेरा वापस जो वॉच आवर है वो 1000 पे आ चुका है। आपने अभी देखा होगा मैंने वीडियो जो डाली थी उसके अंदर एंड आई हैवन्ट स्टार्टेड माई मोनेटाइजेशन। सो आई एम नॉट अर्निंग एनी थिंग येट फ्रॉम यूट्यूब बट मे बी फिंगर्स क्रॉस्ड अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे सो मे बी आई कैन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट आई रिसीव मोस्टली एंड द स्टीरियोटाइप्स अबाउट यूट्यूब। सो सबसे पहला क्वेश्चन सबका ये होता है कि आपने कितने पैसे छाप लिए यूट्यूब से एंड आई डोंट नो कैसे छापते हैं यूट्यूब से पैसे, यार मेरे को भी बता दो। आई रियली नीड टू, आप यूट्यूब से पैसा तब छाप पाते हैं जब आपके एटलीस्ट मिलियन में आपके सब्सक्राइबर्स हों एंड आपके वीडियोज़ के व्यूज़ मिलियंस में हों। बिग यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सालों से मेहनत करके उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ वो यूट्यूब से पैसा छाप रहे हैं, बट वो उनकी मेहनत का, उनके हार्डवर्क, उनकी डेडिकेशन का पैसा है। सो आप ये नहीं बोल सकते कि आप यूट्यूब से पैसे छाप सकते हो सिर्फ क्योंकि यू डोंट नो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू मेक अ सिंगल वीडियो एंड उसको एडिट करना एंड उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एडिटिंग में इतना टाइम लगता है। सो यू कॉन्ट इवन इमेजिन कि उस एक वीडियो के पीछे कितना टाइम और कितना डेडिकेशन लगती है, कितना हार्डवर्क लगता है। सो कभी भी यूट्यूब पर ऐसे आप छाप नहीं सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
सो द सेकेंड स्टीरियोटाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि आपको हर वीडियो में पैसे मिलते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर वीडियो पे किसी भी एड नहीं चल रहा है तो उसके पैसे आपको बिल्कुल नहीं मिलते. सिर्फ जितने एड्स चल रहे हैं और उस एड का क्या रेट है. हर एड्स के अपने अपने टाइप के रेट होते हैं एंड दे ऑल आर डिफरेंट एंड दे प्राइस डिफरेंटली. सो द थर्ड स्टीरियोटाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि हर एड के आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं. एंड दैट इज़ नॉट ट्रू. बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इस बात में, क्योंकि आप खुद सोचो एक ऐड को कोई 100 रुपये कैसे देगा किसी इंसान को. सो ऐसा कुछ नहीं होता है यूट्यूब में. एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपकी कंप्लीट हो भी जाए उसके बाद भी यू नीड टू हैव $100. मतलब आपके जो एडसेंस अकाउंट होता है उसके अंदर आपके पास $100 का अमाउंट होना चाहिए मिनिमम, तभी आपकी जो पैसे हैं वो आपके ट्रांजैक्ट होते हैं. मिनिमम जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ $100. एंड $100 को कंप्लीट करने में एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तो लगेंगे. अगर आप एक ग्रोइंग यूट्यूबर हैं, अगर आप अभी आपने ज्वाइन करा है, आपने अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी अभी स्टार्ट करी है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है. बात करें मेरे चैनल की, सो मेरे चैनल पे ये है कि आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट दैट मच, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट होती हूँ कुछ महीनों के लिए, फिर पता नहीं मैं कौन से जोन में चली जाती हूँ, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मेरे को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलती है एंड देन आई स्टार्ट अगेन अपलोडिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली. एंड उसके बाद नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता है एंड माय लाइफ सक्स. सो उस वजह से मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है एंड उस वजह से मेरी मोनेटाइजेशन पॉलिसी कंप्लीट नहीं हो पाती. सो दैट इज़ द केस विद मी. एंड अभी मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही यूट्यूब से. मैंने अभी तक कुछ भी अर्न नहीं करा है. मेरी एक वीडियो है जो ग्वालियर फूड ब्लॉग है, आई विल लिंक इन द आई कार्ड्स. सो उसके अंदर मेरे ऑलमोस्ट 38+ K व्यूज़ हैं एंड उसके अंदर एड्स रन होते हैं. बट जब मैंने नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे को कॉपीराइट इश्यूज के बारे में पता नहीं था ढंग से. सो आई यूज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट हैज़ कॉपीराइट ऑन इट. सो उस वजह से वो एड्स के जितने भी पैसे हैं वो उस कंपनी को जाते हैं जिस कंपनी का वो गाना है एंड जो सिंगर है उसका. सो दैट इज़ अ सैड स्टोरी फॉर मी बिकॉज द वीडियो इज़ अबाउट टू क्रॉस 40K व्यूज एंड इट इज़ अ ह्यूज नंबर फॉर मी फॉर अ ग्रोइंग यूट्यूबर ऑफ कोर्स. एंड अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ हो नहीं सकता है. आई एम नॉट दैट मच हार्ड वर्किंग ऑन यूट्यूब फॉर यूट्यूब एंड आई एम नॉट प्रोवाइडिंग much time that I should provide for YouTube. इस वजह से मेरी monetization policy नहीं हो पाई है. From now onwards, I am going to be consistent and मैंने 2-3 goals set कर लिए हैं कि हाँ मुझे at least मेरे को हर हफ्ते वीडियो डालनी है no matter what. So yeah, that was a little stereotype and questions about YouTube and YouTube earnings. So if you like this video or it helped you in any way, so please give it a huge fat thumbs up and also please do subscribe to my channel and you can also follow me on Facebook and Instagram. The links are in the description box below. I post a lot of photos and videos of recipes, food, traveling, so you can totally check that out on my social media handles. And also comment down below if you like my new look. सब मे हैव नोटिस्ड ऑलरेडी जो मेरे को पहले से जानते हैं या जो मेरी वीडियोज़ पहले से देख रहे हैं. मेरे पाल बहुत लंबे थे. आई हैव गॉन टू शॉर्ट दिस टाइम. प्लीज़ टेल मी हाउ आई लुक इन दिस शॉर्ट हेयर. सो या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.